सबसे लो के आसपास हमारे टेस्टोस्टेरोन पहुंच जाते हैं, हम किसी चीज पर भी प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते। जो हमारा ये नोनो होता है ना, ये इस तरह नहीं हो पाता है, इस तरह रहता है सिर्फ। इसका कारण हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है। बट जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं, उन लोगों की बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ भी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने लगे। तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो, वो भी 100% रिजल्ट के साथ। Hey, what is up, beautiful people? It's your boy Asad Ansari here and my YouTube family. So, इस वीडियो के अंदर आज तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा 7 reasons जो कि तुम्हें बताएंगे क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है या ज्यादा है। अब सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन नहीं पता होगा टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो सबसे पहले उसको बता देता हूँ वो क्या चीज है और कितना इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद बताता हूँ 7 साइंस कि क्या वो तुम्हारी बॉडी के अंदर कम है या बिल्कुल ही नहीं है। सो देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं। पहला होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है हमारा एस्ट्रोजन। अभी जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मर्दों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे ना सबका सब मर्दानगी जो होती है ना, ये इसी हॉर्मोन से आती है। जैसे कि हमारी बियर्ड्स जो आती है इसी हॉर्मोन से आती है, जो हमारी मसल्स होती है वो इस हॉर्मोन्स की वजह से बनती है। हमारी भारी आवाज और हमारे ये चीज भी सबका सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और जो दूसरा हॉर्मोन बताया मैंने एस्ट्रोजन, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट वो हमारी बॉडी के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर होता है। ये जो दूसरा वाला एस्ट्रोजन होता है, ये फीमेल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा डेवलप करता है। ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं मैं बात करूंगा, कभी मुझे कुछ कहें लोग। सो देखो, आजकल ना हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल अजीब सा हो चुका है। हमारे कोई सोने के टाइमिंग्स नहीं है, हमारे ठीक से खाने के टाइमिंग्स नहीं है, हमारे किसी काम की किसी भी चीज़ के ठीक से टाइमिंग्स नहीं है। ना हम अच्छा खाते हैं, ना हम ठीक से सोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और उन्हीं सब की सब प्रॉब्लम्स को आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब की सब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर तुम लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। सो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर देना, रोल। सो पहले हम बात करते हैं हमारे साइन नंबर फर्स्ट की, बोले तो लक्षण नंबर एक की, जो कि है हमारा फटीग, और बोले तो लेजीनेस। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना हम अपने आप को कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मेरे से सुबह को जल्दी नहीं उठा जाता और मुझे पूरा दिन नेस्ती सी रहती है, मैं पूरा दिन सोता सोता सा रहता हूँ, ढीला ढीला सा रहता हूँ, मेरा किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे घर वाले भी गाली देते रहते हैं कि तू ना पढ़ाई कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है, ये सब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बस दिल करता है हमारा कि बस सोते रहें। और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इरिटेबिलिटी, मतलब कि हम छोटी छोटी बात से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर सेकंड पर डिक्रीज्ड अटेंशन और फोकस, हम किसी चीज पर भी प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते। सो देखो, अगर तुम सोच रहे हो ना सबकी सब पूरी की पूरी तुम्हारी गलती है, तो हो सकता है पूरी की पूरी तुम्हारी गलती ना हो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ फील हो रहा हो। और नंबर सेकंड प्रॉब्लम है हमारी लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से, जो कि है हमारा ईडी, बोले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब कि इसको कैसे समझाऊं मैं, जो हमारा ये नोनो होता है ना, ये इस तरह नहीं हो पाता है, इस तरह रहता है सिर्फ अश्लील है ये लोना। चांसेस है तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जिसकी वजह से तुम्हारा नोनो ठीक से काम नहीं कर रहा है, रॉकेट तुम्हारा लॉन्चिंग के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है। और नंबर थर्ड साइन है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो कि तुम्हें बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, जो कि हमारा इंक्रीज इन फैट परसेंटेज। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम ज्यादा मीठा भी नहीं खा रहे हो, तुम उल्टी सीधी ज्यादा डाइट भी नहीं खा रहे हो, बट उसके बाद भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट रह रहा है, इसका कारण हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारे, वो होता है फैट रिड्यूसिंग हार्मोन। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कम रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर से स्पेशली मेल्स के अंदर से ये फैट को रिड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम अच्छी खासी डाइट लेने के बाद भी, जिम करने के बाद भी, हमारी बॉडी के ऊपर से फैट कम होने का नाम नहीं लेता। एंड नंबर फोर्थ साइन है तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी मसल्स आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, वो क्या करता है, हमारी मसल्स को बिल्ड होने नहीं देता, और अगर हमारी पहले से बिल्ड हुई भी मसल होती है वो हम लूज करने लग जाते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लग जाती है। इसीलिए जो जिम के अंदर बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जो हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को ही स्टेरॉइड बोलते हैं, और बाकी और भी कंपाउंड्स होते हैं, बट स्पेशली जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जिम के लौंडे वो लेते हैं, जिससे उनकी मसल ज्यादा बढ़ने
लग जाती है। बट तुम्हें कोई भी कंपाउंड नहीं लेना, इस वीडियो के अंदर नेचुरली बताऊंगा तुम कैसे बूस्ट कर सकते हो। एंड नाउ नंबर फिफ्थ साइन है जो कि तुम्हें बताएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है, वो है हमारा अनयूजुअल डिप्रेशन। देखो तुम ना अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारी जॉब वगैरह सब कुछ ठीक चल रही है, तुम्हारे घर फैमिली वगैरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट उसके बाद भी ना तुम अपनी लाइफ के अंदर ना डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। तुम्हारा बाहर घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा है, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ गेम्स वगैरह खेलने का मन नहीं कर रहा है, और तुम मन मन में सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, मेरी फैमिली वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रही है, बट उसके बाद भी मैं डिप्रेस्ड सा मायूस सा क्यों फील कर रहा हूं। तो इसका एक कारण हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है जिसकी वजह से तुम अनहैप्पी फील कर रहे हो। एंड नंबर सिक्स साइन है जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो कि है हमारा फेशियल हेयर। फेशियल हेयर क्या, बाकी बॉडी के हेयर्स भी, हमारी पूरी बॉडी पे, चेस्ट वगैरह पे इतने ज्यादा जो हेयर आते हैं वो होती है हमारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो किसी की छाती के ऊपर इतने ज्यादा बाल होते हैं और किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो मोस्टली स्टडीज के अंदर यह पाया गया होता है जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ज्यादा होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर ज्यादा होते हैं और उनकी बियर्ड वगैरह की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बट जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं उन लोगों की बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ भी कम होती है। सो बाबा ये है 6 इंपॉर्टेंट कारण रीजंस जो कि हो सकते हैं कि शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो। अब मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है, किस चीज की वजह से तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो, वो भी 100% रिजल्ट के साथ। जो भी मैं मेथड्स बताने वाला हूं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन सब चीजों को करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल नेचुरली बूस्ट होते हैं। सो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए हमें ठीक करनी है अपनी डाइट, और डाइट के अंदर हमें ऐड करनी है 4 स्पेशल चीजें, जिसके अंदर नंबर 1 पर आ जाता है हमारा जिंक, नंबर 2 पर विटामिन ई, नंबर 3 पर विटामिन सी और नंबर 4 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करती है हमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनाने में। अब ये सब चीजें हमारे कौन कौन से खाने के अंदर होती है, कौन सा तुम्हें खाना खाना है जिससे ये सब की सब चीजें तुम्हारी डाइट के अंदर ऐड हो जाए। तो इसके अंदर नंबर 1 पर आता है हमारा एग, नंबर 2 पर आता है हमारा फिश, नंबर 3 पर आता है, अगर मेरे बहुत सारे भाई लोग जो फिश एग वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए भी यहाँ पर है, वो है हमारे बीन्स, जैसे कि राजमा हो चुका है, छोले हो चुके हैं, ये हो चुका है, और नंबर 4 पर नट्स बोले तो काजू बादाम वगैरह। सो इन सब फूड्स के अंदर वो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, और अगर तुम चाहो तुम अपनी बॉडी के अंदर इन सब चीजों के सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो। और नंबर 2 पर हमारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए आ जाती है हमारी एक्सरसाइजेस। अब कौन सी एक्सरसाइजेस, वो स्पेशल एक्सरसाइजेस होती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। देखो एक्सरसाइजेस दो तरह की होती है, पहला कंपाउंड, दूसरा आइसोलेशन। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी एक मसल से ज्यादा एक टाइम पर ट्रेन करती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब डेडलिफ्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा कोर इन्वॉल्व होता है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक्सरसाइज करने में इन्वॉल्व होती है, और अगर हम नॉर्मल बाइसेप्स के लिए डंबल कर्ल्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है सिर्फ हमारा आर्म इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एक्सरसाइज को आइसोलेशन एक्सरसाइज, और जिसके अंदर हमारा पूरा कोर इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। और ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने में। जब भी हम कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं, वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। अब कंपाउंड एक्सरसाइजेस के अंदर ये सब एक्सरसाइजेस आ जाती है, अगर तुम बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस नहीं करते तो तुम्हें इनमें से कोई ना कोई एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड करनी है। और नंबर 3 सॉल्यूशन है हमारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, वो है हमारा रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल्स। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या बला है, कॉर्टिसोल क्या है? सो कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, शायद मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन रिलीज होने लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो हार्मोन है ये हमारे टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने लगेंगे, अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल कम होने लगेंगे। अब हम आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम दिन रात स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, जिस वजह से आजकल कम एज के अंदर भी बहुत सारे लोगों के टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं, जिसकी वजह से कभी उनकी बियर्ड नहीं ठीक से ग्रो हो पा रही है, कभी उनके मसल्स नहीं बन पा रही है, उनका वेट नहीं ठीक तरीके से गेन हो पा रहा है। तो ये सब की सब प्रॉब्लम्स लगती है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, और स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है,
एक्सरसाइज से सबसे पहले तो कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, और नंबर सेकंड पर डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन का मतलब हर काम उसके टाइम पर करना शुरू कर दो। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पर करो, लंच लंच के टाइम पे करो, कॉलेज का काम, जॉब, जो भी कुछ काम है वो सबका सब टाइम पे कर दो, तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बनना खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे कॉर्टिसोल के लेवल कम होते जाएंगे और टेस्टोस्टेरोन के लेवल रॉकेट बन जाएंगे। और नंबर फोर्थ आ जाता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में, बूस्ट करने में, जो कि है हमारा हेल्दी स्लीप। देखो, साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर कि स्लीप से हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उन्होंने पाया है कि जो लोग अपनी नींद से, जैसे कि अगर उनकी नींद 7 घंटे की है, 7 घंटे से 1 घंटा कम सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल 15% तक के डाउन होने लगते हैं। और जो लोग 7 घंटे की नींद की जगह 4 घंटे की नींद ही लेते हैं, तो उनके लेवल और ज्यादा कम होने लग जाते हैं। मतलब कि जो कि हमारी लो की बॉर्डर लाइन होती है ना, जो कि 270 नैनोग्राम पर डेसिलेटर होती है, उसके आसपास, सबसे लो के आसपास हमारे टेस्टोस्टेरोन पहुंच जाते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं लेते। बट जैसे कि इस टिप का नाम है हेल्दी स्लीप, अब हेल्दी स्लीप का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें 8 घंटे सोना है, 9 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। हेल्दी स्लीप का मतलब ये है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी को 6 घंटे की नींद की जरूरत है, तुम 6 घंटे सोने के बाद तुम सुबह को अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, तुम्हें पूरा दिन लेजी फील नहीं हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यार आज कम सोया हो, मुझे और ज्यादा सोना चाहिए, तो वो 6 घंटे की नींद भी तुम्हारे लिए काफी है। ये सेम बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कुछ लोगों का 2 रोटी में भी पेट भर जाता है, कुछ लोग 4 भी रोटी खाते हैं उनका 4 में भी पेट नहीं भरता। अब ये नहीं है कि जिसने 2 रोटी खाई वो अनहेल्दी है, जिसने 4 से ज्यादा खाई वो अनहेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ज्यादा खा रहा है। इसी तरह हमें अपना खुद पता होता है कि हमारी बॉडी को इतनी नींद की जरूरत है, हम उतना नींद ले, ना ज्यादा और ना कम। एंड नाउ अब बात करते हैं हम हमारे ब्रह्मास्त्र के, जो कि हमारा टिप नंबर 5th, और जो कि इतनी गजब है, इतनी कमाल है कि बस पूछो मत, जो कि है हमारा अश्वगंधा। बहुत सारे लोगों ने अश्वगंधा के बारे में सुना होगा, बट ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, लोगों ने बस इधर उधर से सुना ही होगा, बट इसके बेनिफिट्स कितने हैं कि बस पूछो मत। सबसे पहले मैं तुम्हें अश्वगंधा के बारे में बता देता हूँ कि अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा एक इंडियन हर्ब है जो कि इंडिया के अंदर 4-5 हज़ार से साल से भी ज्यादा से यूज होती हुई आ रही है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं साइंस ने भी बहुत ज्यादा प्रूव कर दिए हैं कि इसको लेने से इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि पूछो मत। सबसे पहला बेनिफिट, अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इसका मतलब हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। नंबर सेकंड पर हमारे एनर्जी लेवल, जिसके पूरा पूरा दिन कम रहते हैं, उन एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। नंबर थर्ड पर ये हमारे सीमन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जो मैन के अंदर इनफर्टाइल होते हैं, फर्टिलिटी के लेवल्स कम होते हैं, उस लेवल को भी ये बढ़ाता है। और जिस चीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, पता किया है, जिन लोगों ने अश्वगंधा 10 से 15 दिन के लिए लिया है, उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल 10-20% तक के बूस्ट हो चुके हैं। एंड नाउ मेरे बहुत सारे भाई लोग पूछेंगे कि असद भाई, ये अश्वगंधा हमें यूज करना है, अब हमें मिलेगा कहां से? सो मेरे भाई, अश्वगंधा तुम घर के आसपास भी ढूंढ सकते हो, और किसी एक अच्छे से अश्वगंधा के लिंक ढूंढ के मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां पर जाकर चेक कर सकते हो और उसको अपनी डेली डाइट के अंदर एड कर सकते हो। सो दैट्स इट मेरे भाइयों, ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने में, और जो कि तुम्हारी मसल्स को इंक्रीज करने में, और तुम्हारी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। और अगर अभी तक हमें भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सोच क्या रहे हो, रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखना, पीस।